खाने में काफ़ी मीठा लगता है। तो इसको जो है कि अभी हम पेड़ से तोड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना बड़ा बड़ा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हैं बगीचे में और यहाँ पे आप देख सकते हैं आम कितना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए अपने खेत की तरफ और अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी का दिन देखिए कैसा है। और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे खेत जो कि पड़ती है और यहाँ से ट्रैक्टर की जो है जोताई हो चुकी है और बारिश का भी इंतज़ार कर रहा है क्योंकि बारिश के बाद ही यहाँ पे खेत में जो है कि बीज डाला जाता है। तो अभी जो है कि बारिश का इंतज़ार कर रहा है और डेली आप देख सकते हैं मौसम का हाल कैसा है। मौसम ख़राब रहता है लेकिन बारिश का संभावना बहुत ही कम है और बारिश पे जो है कि अभी यह खेत टिका हुआ है। बारिश होने के बाद भी इसमें जो है कि मक्का लगेगा और अभी आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ खेत का नज़ारा कैसा है। पड़ती खेत है और इसमें जो है कि गेहूं कटने के बाद जो है कि इसका पूरा ट्रैक्टर से जो है कि इसको अथी किया गया है और अभी आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कैसा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ ही दिन में बारिश होगी और बारिश के बाद ही यहाँ पे जो है कि इसमें मक्का बोया जाएगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर चल रहा है और पास में कुछ जगह पर मक्के भी लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और कुछ दिन में यह भी मक्के कट जाएंगे। कटने के बाद आपको पूरा यहाँ पे फिर से मक्का लगेगा और यहाँ अभी सावन महीना, सावन भादों का महीना चलेगा और इसमें जो है कि मक्का ही लगता है। तो कुछ ही दिन में जो है कि यहाँ पर लग जाएंगे बारिश जब होगी तब, और बारिश अभी बहुत दिन से नहीं हो रही है तो बारिश का इंतज़ार कर रहा है। तो अभी हम अपने खेतों में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं खेतों का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखता है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी हम सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहे हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं यह आम का बगीचा है और इसमें जो है कि आम लगा हुआ है और सुबह में जो है कि बगीचे में टहलने में काफ़ी ही अच्छा लगता है और सुबह का नज़ारा देखने लायक होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे बगीचे में बहुत सारे देखिए आम लगे हुए हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है और हमारे पीछे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे आम पेड़ में लटका है और काफ़ी सुंदर देखने में यहाँ का व्यू अभी लग रहा है। तो चलिए हम बैक कैमरे से कुछ नज़ारा दिखाते हैं यहाँ बगीचे का जो कि काफ़ी ही अद्भुत लगता है। अभी आम का सीज़न है और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त बगीचे का नज़ारा आप लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो है कि चारों तरफ बगीचे ही बगीचे नज़र आ रहे हैं और उसमें लगे हुए आम काफ़ी ही सुंदर है। आम कितना बड़ा बड़ा हो चुका है और देखिए यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाते हैं, इसकी साइज जो है कि काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है और देखने में देखिए कैसा लग रहा है। और यहाँ का बगीचे का तो आप देख सकते हैं वहाँ पे देखिए पेड़ में काफ़ी आम लगे हुए हैं और देखिए यह कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, काफ़ी सुंदर है। तो और इधर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आम, इसका नज़ारा आप देख सकते हैं काफ़ी ही ज़बरदस्त लग रहा है और अभी छोटे छोटे हैं, इससे बहुत सारे बड़े बड़े हो जाएंगे। और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बगीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे देखिए आम बहुत सारे यहाँ पे आम सिर्फ लगे हुए हैं, देखने में देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पूरे बगीचे में आपको आम ही आम नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम जो है कि बगीचे से देखिए आम तोड़ लिए हैं और यह जो है कि खाने में काफ़ी मीठा लगता है। तो इसको जो है कि अभी हम पेड़ से तोड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना बड़ा बड़ा बगीचा है और इस बगीचे में जो है कि यह आम काफ़ी मीठा है और इसको अभी हम जो है कि तोड़े हैं और इसको जो है कि फोड़ के अभी खाएंगे। और अभी देखिए यहाँ पे गाछ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। तो आई होप आपको आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।